बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 9th क्लास में केपीके के शेड्यूल नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो 5 है सबट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड एंड द थर्ड। तो ये चार पार्ट्स हैं। सेकंड एक्सप्रेशन से फर्स्ट सबट्रैक्ट करना है, तो पार्ट नंबर 1 में सेकंड से फर्स्ट सबट्रैक्ट करना है। तो सेकंड हम पहले लिखेंगे और फर्स्ट हम बाद में लिखेंगे। तो 8y2 - y2 + 4y - 15। तो ये फर्दर आ जाएगा 8y2 + 2 और माइनस इसी मल्टीप्लाई हो चुकी, तो ये माइनस है, यहाँ प्लस है। तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है, यहाँ भी माइनस और प्लस की मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है और माइनस की मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है। अब इनको ऐड कर ले, तो उसको हम ऐड करेंगे जिसका बेस और डिग्री बराबर हो। तो y2 और y2 ये हम ऐड कर या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 8y2 - 1, यहाँ कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो 8 - 1 से आता है 7y2 और यहाँ पे y यहाँ पे नहीं है तो -4y डायरेक्टली लिखेंगे और +2 + 15 से आता है +17। तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 2। तो सेकंड से फर्स्ट सबट्रैक्ट करना है, तो ये मैं पहले लिखता हूँ 8x2 + 7 / (x2 + 1 - 8x2 - 7 / (x2 + 1)। तो इसका एलसीएम हमारे साथ है x2, दोनों सेम है तो x2 + 1 एलसीएम आएगा। अब दोनों सेम है तो ऊपर वाली डायरेक्ट लिखेंगे 8x2 न्यूमरेटर वाली और -8x2 - 7 = 8x2 + 7। माइनस से मल्टीप्लाई कर ले तो -8x2 और ये माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाए तो +7 आता है / (x2 + 1)। ये 8x2 माइनस 8x2 कैंसिल हो जाएगा, 7 + 7 से आता है 14। तो 14 / (x2 + 1)। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। सोल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 3। तो 3 हमारे साथ है 2a / सेकंड से फर्स्ट सबट्रैक्ट करना है, तो 2a / (a2 - 9)। तो असल में ये (a2 - 9) में लिख सकता हूँ a2 और 9 लिख सकता हूँ 3²। तो ये डिफरेंस का फार्मूला है a - 3 × a + 3। तो जहाँ इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ a - 3 × a + 3। आप डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, आप पहले क्वेश्चन लिखेंगे और -1 / a - 3। तो एलसीएम हमारे साथ आता है a - 3 × a + 3। तो a - 3 × a + 3 / (a - 3 × a + 3) से 1 आता है, तो 1 × 2a से 2 आता है और माइनस यहाँ पे a - 3 - 3 के साथ खत्म हो जाएगा तो a + 3 रह जाएगा। तो -a + 3 = 2a - a - 3 / (a - 3 × a + 3)। यहाँ पे 2a - a से a आता है, तो a - 3 / (a - 3 × a + 3)। तो a - 3 के साथ खत्म और आंसर हमारे साथ बन जाएगा 1/a + 3। तो पार्ट नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम आखिरी पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 सेकंड से फर्स्ट सबट्रैक्ट करना है, तो x + 2 / (x - 2) माइनस यहाँ पे x / 3x - 6, इसी में 3 कॉमन लेता हूँ, तो 3 × (x - 2)। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3 × (x - 2)। तो 3 × (x - 2) / (x - 2) से 3 आता है, तो 3 × (x + 2) यहाँ पे -x आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो 3x + 3 × 2 = 6 - / 3 × (x - 2)। अब यहाँ पे 3x - x से आता है 2x + 6 / 3 × (x - 2)। अब ऊपर इसमें 2 कॉमन है तो यहाँ पे रह जाएगा x + 3 / 3 × (x - 2)। तो पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।